ऊंची हो जाती है, एक तरफ से नीचा हो जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट किस तरह लगानी है। सबसे पहले हम लंबाई अपनी लेंगे, उनतालीस इंच हमारी लंबाई होगी कमीज की। और इसकी चौड़ाई हम लेंगे इस तरह से, हम इसे डबल कर चौबीस इंच हमारी शर्ट का चौड़ाई है, तो इसका हाफ हम 12 इंच लेंगे या 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसी तरह हम इन चारों पे निशान लगाएंगे। अब हम इसे उनकी सैब बनाएंगे इस तरह से, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी हम इसी तरह इस्त्री से इसकी तह लगाएंगे। इस तरह से हम इसको चारों तरफ से इसकी तह लगा लेंगे। ये 2.25 इंच के करीब हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जब हम लैस लगाएं तो हमारे फोल्ड का कपड़ा इस तरह से आए। अब हम इस निशान को लेंगे और सिलाई पे इस तरह से अब हम घेरे पे जो निशान लगाया था इस तरह से इसे भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये हमने देखे चारों तरफ से कर लिया। देखिए एक जैसा हमारा आया इस साइड पे और इस साइड पे भी।
इस तरफ। ये देखिए ये हमारे चारों पूरे हो गए। अब हम इसके लेस लगाएंगे इस तरह से। हम इसे थोड़ी सी फोल्ड करके इसके साथ रखेंगे। इस तरह से आपने ना कपड़े को खींचना है ना लेस को खींचना है, आराम से बस ऊपर रख के सिलाई चलानी है। जब आप कपड़े को खींचेंगे या लेस को खींचेंगे तो इसकी वजह से कपड़ा नीचे ऊपर हो जाता है और लेस हमारी परफेक्ट नहीं लगती। अब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे, हल्का सा घुमाएंगे और इसे हल्की सी हम लैस को खींचेंगे, बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे ताकि हमारा घेरा सीधा रहे। अगर हम इसे ढीला रखेंगे तो हमारा घेरा भी ढीला ढीला सा बनेगा। सुई हम कपड़े के अंदर ही रखेंगे और इसे लैस को इस तरह से हम मोड़ के सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इस सिलाई के साथ हम रखेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगाएंगे। ये सारी लगाकर हम फिर इसे कपड़े को दोबारा पलटेंगे। इस तरह से फिर हमने कपड़े को खींचना नहीं ना लैस को खींचना, इसमें आराम से रख के हमने सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से ये मैंने लगा ली है चारों तरफ से, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने लगा लिया। अब मैं इसे उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी, इसे प्रेस कर लेती हूँ। अब मैं इसे इस तरह रख के
तो इस तरह मोड़ के कपड़ा इसके ऊपर इस तरह रखूंगी। इस तरह से हमने मोड़ा है कपड़े को इस तरह से, और इस सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से इसे लगा दिया। ये देखें इधर हम सिलाई लगाएंगे, जब हम सीधा करेंगे तो ये हमारी गुम सिलाई आ जाएगी इस तरह से। मेरी लंबाई कम थी इसलिए मैंने ये थोड़ा लिया। इसको कट लगाना है, अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये प्रेस कर लेना। और इस साइड से इस तरह से हमने ये कोना बना लेना। अब इस साइड से भी हम इसी तरह करेंगे। डेढ़ इंच हमारा कपड़ा है, ये कोना इसलिए काटा है ताकि हमारा जो ये कोना बनेगा वो ठीक तरह से इस तरह से सही तरह से बैठेगा, इस तरह से हमारा बनेगा। ये बहुत प्यारा और शांत तरीके से लगेगा। मैंने सीधा करके ये तरपाई कर ली है, सारी मैंने आगे पीछे सारी तरपाई की है इस तरह से। ये देखिए देखिए हमारी एक जैसी आ रही है, कहीं से भी हमारी कम या ज्यादा नहीं है। आप जब भी लगाए आप इस जगह से कपड़ा कभी भी नहीं खींचना, ना लैस को खींचना, तो हमारी एक जैसी बनेगी। इस तरह से मैंने ये बाजू पे भी लगाई और ये मैंने फाइनल कर लिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अल्लाह हाफिज़।